अल्हम्दुलिल्लाह बर्तानिया के अंदर जो है वो अपनी नई गाड़ी ले लिया, पे आपको गाड़ी आराम से मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पे जो सस्ती गाड़ियाँ ना उनमें ये जो एक मैंने लिया है, निश्चित तौर पे गाड़ियों का रोड टैक्स 15 पाउंड होता है या 20 पाउंड होता है ना, वो बम्पर टू बम्पर जेन्युइन है। और ये गाड़ी पहले लेडी डॉक्टर के पास थी जो अस्सलामुअलैकुम। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बर्तानिया के अंदर जो है वो अपनी नई गाड़ी ले लिया, तो नई गाड़ी मैं जो है वो आपको आज अपनी दिखाने लगा हूँ कि जो मैंने बर्तानिया के अंदर अपने एक साल की कमाई की। मगर मैं होनेस्टली आपको बताऊँ तो ये गाड़ी मैंने बर्तानिया के अंदर जो है वो मैक्सिमम भी 2 वीक्स काम करके ले ली थी। तो आप भी बर्तानिया के अंदर जो है वो अपनी नई गाड़ी 2 हफ्ते काम करके ले सकते हैं। तो चलें मैं आपको अपनी गाड़ी दिखाता हूँ। तो वो नहीं भाई, ये गाड़ी ली है, ठीक है। तो वो गाड़ी तो किसी की थी। तो ये गाड़ी आप भी बर्तानिया के अंदर 1 हफ्ता काम करके या 2 हफ्ते काम करके आप ले सकते हैं। ये गाड़ी कैसे लेंगे आज, इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे कि बर्तानिया के अंदर गाड़ी लेना कितना जो है वो आसान है, मुश्किल है, फ्रॉड क्या क्या हो सकते हैं, गाड़ी कैसे आप ले सकते हैं, कौन से तरीक़ों से आपको इंश्योरेंस जो है वो सस्ती मिल सकती है, और वो सारे तरीक़ों के बारे में जो है वो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। बैकग्राउंड पे हम यही वाली गाड़ी रखते हैं ताकि लोगों को लगे कि मैं बहुत कोई अमीर आदमी हूँ, तो मोटिवेशन भी मिलती है इससे। तो ये मोटिवेशन भी आपको दिखाते रहते हैं। तो चलें अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। मैं बेसिकली बर्तानिया आया तो मेरा एक दोस्त था, मैं अक्सर उसकी बात जो है वो वीडियोज़ में करता रहता हूँ। तो वो मुझे कहता था कि यार पाकिस्तान से पैसे लेके आई और आते साथ यहाँ पे गाड़ी ले ली, फिर तेरा काम करना भी आसान हो जाएगा और तुझे इनकम अच्छी आने लग जाएगी। तो मैं उसे कहता था कि यार मैं कोई अमीर आदमी हूँ कि मैं आते साथ गाड़ी ले लूँ, मैं इधर रिहायशी करने आ रहा हूँ भाई, ये कैसे हो सकता है। तो वो मुझे कहता था कि भाई गाड़ी लेगा तो पैसे आएंगे ना। तो गाड़ी लेने का सबसे आसान तरीका जो है वो यहाँ पे है फेसबुक मार्केट प्लेस। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई जो है वो बहुत ज़्यादा उस किस्म की चीज़ें बनी हुई है कि आप जो है वो किसी शोरूम पे जाएं और वहाँ से गाड़ी पसंद करें, क्योंकि आप मुझे पता है इतने रिच नहीं है। तो यूजुअली जो लोग जो है वो गाड़ी यहाँ पे बेचते हैं या लेते हैं वो फेसबुक मार्केट प्लेस से लेते हैं या ऑटो ट्रेडर, ये 2 जगह हैं जहाँ से आप गाड़ी ले सकते हैं। फेसबुक मार्केट प्लेस जो है वो कंपेरेटिवली चीप होती है, ऑटो ट्रेडर जो है वो ज़रा सिक्योर है लेकिन वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। लेकिन यह कि जो फेसबुक मार्केट प्लेस है वो कंपेरेटिव टू जो है वो ऑटो ट्रेडर बाकी जो है वो चीप होती है, पे आपको गाड़ी आराम से मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पे जो सस्ती गाड़ियाँ ना उनमें ये जो एक मैंने लिया है निसान माइक्रा, ये गाड़ी यहाँ पे सस्ती मिल जाती है, फिर रिगारिस है, फिर आल्टो है, तरह की गाड़ियाँ आपको सस्ती मिल सकती हैं। अच्छा, यहाँ पे ना गाड़ी जैसे ही आप शुरू करते हैं तो आपका ख़र्चा आना शुरू हो जाता है लेकिन कमाई भी साथ आना शुरू हो जाती है। जैसे अगर आप गाड़ी लेंगे ना तो गाड़ी ऐसे होता है कि यहाँ पे एक V5 के नाम से एक जो है वो ऑनलाइन गाड़ी ट्रांसफ़र होती है, जिससे भी आप गाड़ी लें उसको बोलेंगे आपका ये नाम है, ये एड्रेस है, इस नाम पे आपकी गाड़ी जो है वो ट्रांसफ़र कर दे। तो आम तौर पे ऑनलाइन ही उन्होंने ट्रांसफ़र करनी होती है और V5 वाला फॉर्म आपके एड्रेस के ऊपर आपके घर 4-5 दिनों में आ जाता है, जिसके ऊपर लिखा होता है कि ये गाड़ी जो है वो अब आपके पास ट्रांसफ़र होगी। जैसे ही आप गाड़ी ले लें तो आपने क्या करना होता है कि आप उस गाड़ी की इंश्योरेंस कराएं अपने नाम के ऊपर, क्योंकि और रोड टैक्स पे करें। पहले आप इंश्योरेंस करवाएंगे फिर उसके बाद आप रोड टैक्स, यानी गाड़ी आपके नाम हो जाएगी तो आप रोड टैक्स पे कर सकते हैं। आमतौर पे गाड़ियों का रोड टैक्स 15 पाउंड होता है या 20 पाउंड होता है एक मंथ का। अगर इसको आप एनुअली जो है वो करें तो बहुत ज़्यादा जो रोड टैक्स आप कैसे पे करेंगे, सिंपल आपने गूगल के ऊपर जाके लिखना है कि रोड टैक्स ऑफ माय व्हीकल, तो एक वेबसाइट खुल जाएगी गवर्नमेंट की वेबसाइट। यूके की अच्छी बात यह है कि एक ही वेबसाइट के ऊपर सारे काम होते हैं, तो वहाँ पे आपको आराम से आप जो है वो अपनी गाड़ी की रोड टैक्स जो है वो पे कर सकते हैं। अच्छा, गाड़ी लेते हुए एक चीज़ का आपने बड़ा ध्यान रखना है, वो ये है कि जब भी आप गाड़ी कोई चेक करें तो यहाँ पर ना पाकिस्तान इंडिया वाले फ्रॉड नहीं होते। यहाँ पर लोग यूँ नहीं कहते कि गाड़ी जो है ना वो बम्पर टू बम्पर जेन्युइन है और ये गाड़ी पहले लेडी डॉक्टर के पास थी जो है वो अब वो नहीं चलाती, उसने कभी चलाई नहीं है गाड़ी पर। यहाँ पे लोग ऐसे नहीं कहते, यहाँ पे गाड़ी की हिस्ट्री के बारे में एक एक चीज़ आप जो है वो ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, सिंपल गूगल पे जाके लिखेंगे चेक MOT। MOT जैसे ही आप चेक करेंगे तो एक वेबसाइट आपके पास खुल जाएगी, उस वेबसाइट के ऊपर सिंपल आपने गाड़ी का जो है वो नंबर डालना है। गाड़ी का जैसे ही नंबर डालेंगे तो उस गाड़ी की सारी डिटेल्स के इसके कितने दफ़ा एक्सीडेंट हुआ है, इस गाड़ी का
पहले ये किसने खरीदी थी, कितने इसके ओनर हैं। कोशिश ये करें कि ज़्यादा ओनर्स ना हो। उसका ये नुकसान होता है कि गाड़ी बहुत ज़्यादा बंदों ने चलाई होती है। जैसे आमतौर पर यह कहते हैं कि गाड़ी एक सिंगल हैंड बंदे के पास ही अच्छी रहती है, तो जब ज़्यादा बंदों ने चलाई होगी तो गाड़ी जो है वो फिर कंपेरेटिवली ज़रा रगड़ी हुई होगी। तो इस वजह से कोशिश ये करें कि एक आध ओनर हो, इससे ज़्यादा ओनर्स ना हो। दो हो जाएँ तो इससे ज़्यादा ना हो, ठीक है। बाज़ अवकात गाड़ियों के तीन ओनर भी होते हैं, चार ओनर भी होते हैं, तो कोशिश करें एक आध या दो ओनर्स हों। फिर दूसरी चीज़ जो आपने गाड़ी की चेक करनी है वो ये है कि आपने चेक करना है कि गाड़ी कितने किलोमीटर चली हुई है। कोशिश ये करें कि गाड़ी लाख से ऊपर ना चली हो, ठीक है। यहाँ पे इतने दा फराट नहीं होते, लेकिन बाज़ अवकात लोग जो है ना गाड़ी को थोड़ा उसका पीछे भी कर लेते हैं मीटर, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि उसका मीटर जो है वो लाख से ऊपर ना हो। गाड़ी आपकी ज़्यादा से ज़्यादा लाख चली हो या नब्बे से भी ऊपर हो तो वो ज़रा रिस्क होता है, लेकिन यह कि कोशिश करें जितना कम से कम चली हुई हो वो गाड़ी आपकी। अगर आप डिलीवरीज के लिए लेना चाह रहे हैं फिर तो गाड़ी आपको अच्छी लेनी पड़ेगी भाई, क्योंकि ये ना हो कि आप सुबह डिलीवरी करने उठे हैं तो गाड़ी ने चलना ही जो है वो बंद कर दिया, तो फिर तो आपका टाइम नुकसान होगा। एक ही दफ़ा गाड़ी लें और अच्छी गाड़ी लें। उसका ये फ़ायदा होगा कि आपको रोज़ रोज़ मैकेनिक की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ एक दिन आप मैकेनिक की तरफ जा रहे हैं ना, इसका ये मतलब है वो दिन भी आपका ज़ाया हुआ है, वो पैसे भी लगे हैं और अलग आपका ख़र्चा जो है वो अलग बढ़ गया। तो बेहतरी इसी में है कि एक ही दफ़ा गाड़ी लें और अच्छी गाड़ी लें। अच्छी का ये मतलब है कि कोशिश करें 50-60 जो है वो 1000 माइल्स चली हुई हो, और जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन मॉडल ना हो, 2008-9-10 के करीब जो है वो मॉडल हो। इससे डाउन मॉडल जो है ना वो फिर गाड़ियाँ ज़ाहिर है जितनी डाउन मॉडल होंगी वो फिर उतनी जो है ना वो ख़राब होंगी। और कोशिश ये करें कि गाड़ी तो आपको ना 500-600 की भी मिल जाएगी, लेकिन कोशिश करें 1000 तक की गाड़ी ले लें एक दफ़ा पैसे लगा के, ताकि आपको बार बार जो है ना मैकेनिक की तरफ जाके तो वो पैसे आपको बार बार दोबारा ना लगाने पड़े। तो एक ही दफ़ा गाड़ी लें, अच्छी गाड़ी लें, फिर गाड़ी चला के चेक करें। मोस्ट ऑफ़ द टाइम यहाँ पर कोई इतना इशू नहीं होता गाड़ीज़ में, सिर्फ जो है ना वो सिर्फ आपने एमओटी चेक करनी होती है। आप एमओटी चेक कर लेंगे तो आपको गाड़ी की हर चीज़ जो है वो पता चल जाएगी। हाँ पे ना एक जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि सबसे बड़ा जो मसला पेश आता है वो मसला होता है इंश्योरेंस का। गाड़ी आप ले लेते हैं लेकिन हर मंथ आपको इंश्योरेंस पे करनी पड़ती है, तो इंश्योरेंस बड़ी एक्सपेंसिव मिलती है। तो जो गलती मैंने की थी वो गलती आपने नहीं करनी। मैंने गलती क्या की थी, मैं यहाँ पे आया, मुझे पता लगा यार इंश्योरेंस होती है, तो मैंने कहा कि मैं वो गाड़ी लूँगा जिसकी इंश्योरेंस मुझे बड़ी सस्ती पड़े। तो मैं जो गाड़ी देखता था अपनी इंश्योरेंस उसके ऊपर चेक करना शुरू कर देता था। उससे ये हुआ कि कंपनीज वालों ने मेरे नाम के ऊपर स्टार लगा दिया कि यार ये बंदा जो है ना इसको बड़ी सख्त तलब हुई हुई है गाड़ी की, इसने गाड़ी लेनी लेनी है, इसने इंश्योरेंस करानी करानी है, इसकी इंश्योरेंस महंगी कर दो। तो उन्होंने मेरी इंश्योरेंस कर दी महंगी। तो ये चीज़ आपने जो है वो किसी सूरत नहीं करनी कि आप जो है ना अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस बार बार चेक करते रहें तो वो फिर आपको एक्सपेंसिव कर देंगे। आप एक ही दफ़ा गाड़ी फाइनलाइज करें और उसकी इंश्योरेंस चेक करें। अच्छा, इंश्योरेंस कैसे चेक करनी है, उसके साथ उसके लिए डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। एक एडमायरल की वेबसाइट है, एडमायरल की वेबसाइट एक है, बाकी आप इसी तरह और भी वेबसाइट्स हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। गूगल के ऊपर सिंपल लिखें कि इंश्योरेंस जो है वो मैंने व्हीकल की इंश्योरेंस करानी है, वो सिंपल आप गूगल पर लिखें तो आप जो है आपके ऊपर जो है वो इंश्योरेंस वाली वेबसाइट्स आ जाएंगी। उनके ऊपर आपने डिटेल डालनी होती है, आपने अपना नाम, अपना जो है वो डेट ऑफ बर्थ। यूजली अगर आपकी एज जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है तो फिर आपको वो कंपेरेटिवली चीप इंश्योरेंस देते हैं, अदरवाइज फिर आपको जो है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव इंश्योरेंस देते हैं। कोशिश ये करें कि आपकी 100-120 से ज़्यादा इंश्योरेंस ना हो। अगर इससे ज़्यादा इंश्योरेंस होगी तो वो फिर आपके लिए देना जो है वो मुश्किल हो जाएगी, लेकिन 100 होगी तो उसके करीब करीब इंटरनेशनल लाइसेंस पे स्टार्ट में आपके पास 100 जो है वो इंश्योरेंस आती है। लेकिन जैसे ही आप उसको पाकिस्तानी लाइसेंस को जो है वो यूके लाइसेंस में कन्वर्ट करते हैं तो फिर आप जो है वो आसानी के साथ उसकी इंश्योरेंस भी कम हो जाती है। इसके अलावा कोई और जो चीज़ है जो आपके माइंड में हो आप पूछना चाहें, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं गाड़ी लेते हुए। एक प्रो टिप भाइयों, गाड़ी इस कंट्री के अंदर और लाइसेंस इस कंट्री के अंदर ऐसे ही ज़रूरी है जैसे पाकिस्तान के अंदर बिजली चली गई, बिजली आ गई, बिजली चली गई, बिजली आ गई, इसी तरह गाड़ी भी इस कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाड़ी ले लें, फ़ायदे में रहेंगे। बताना मेरा काम है, आगे आपकी मर्ज़ी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।